नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। हम सब डॉक्टर्स मिलकर काम करते हैं आयुर्वेदा एकेडमी में। बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और टीचर्स हमारे पास मौजूद है। तो आज हम एक ड्रग रिव्यू लेने वाले हैं जिसके नाम है क्षीर बला तैलम। तो उसका अनेक तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्षीर बला तैल बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है ये औषधि तैल है, सिद्ध तैल है या मेडिकेटेड तैल है। साउथ इंडिया में ज्यादातर क्षीर बला थैलम करके उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। सभी का मतलब एक जैसा है। इसमें दो शब्द है, क्षीर है और बला है। तो इस ऑयल जब हम बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर मिल्क और सिसेमी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादातर एक्सटर्नली हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इंटरनली भी ले सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके घटक द्रव्य क्या है और कभी कभार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन सी द पर्सन इज मसाजिंग विद द क्षीरबला ऑयल एंड दैट गिव्स यू द फैंटास्टिक इफेक्ट ऑन योर स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन, स्मूथनेस, ड्राइनेस विल गो अवे, रुक्षता चली जाएगी, बहुत अच्छा सा आपका शरीर बन जाएगा, मसल स्ट्रांग बन जाएंगे, बोन स्ट्रांग बन जाएंगे। देखेंगे क्या क्या होता है। तो उसमें घटक द्रव्य है, पहला तो है बला। बला नाम की एक वनस्पति होती है, सीडा कॉर्डिफोलिया ये नाम है उसका, लैटिन नाम है। तो नाम से ही पता चलता है कि जो बल देने वाली, जो हमारी ताकत बढ़ाने वाली वनस्पति है उसका नाम है बला। उसको हम कहाँ मिलाकर संस्कारित करते हैं, तिल का तेल लेते हैं और मिल्क भी लेते हैं। तो ये मिल्क जो है, बला जो है, ये सब न्यूट्रिशियस है, हमारी ताकत बढ़ाने वाली द्रव्य है, स्ट्रेंथनिंग द्रव्य है। क्षीर बला तेल का तैयार करते समय बला पौधे का कल्क, चटनी बोलते हैं ना जिसको, हम पेस्ट बोलते हैं, तेल और दूध को मिलाकर तैल प्रक्रिया द्वारा तेल को सिद्ध किया जाता है। सो दिस इज अ सिद्ध तेल, मेडिकेटेड ऑयल। इसे क्षीर बला तेल इसलिए कहा जाता है, इसमें क्षीर है, क्षीर का मतलब दूध, दूध का मतलब मिल्क। इस तरह से उत्पादित तेल को फिर से तेल साबित करने के लिए जड़ी बूटियों के कल्क और दूध के साथ मिलाया जाता है। ये ध्यान जाना दिया की जरूरत है। इस तरह से प्रसंस्करण की प्रक्रिया में जैसे ही इसमें दूध की वसा मतलब स्नेहांश डाली जाती है, यह घी जैसा बन जाता है तो तेल, फिर बनने समय कुछ घी जैसा आपको महसूस होगा। चूंकि बला के पौधे को इस तेल पर 100 बार 100 बार संवर्धित किया जाता है, संस्करण किया जाता है, इसलिए कई कभार इस क्षीर बला तेल सामान्य जो बला तेल है इसकी तुलना से 100 गुना अधिक प्रभावी है। दिस इज मोर पोटेंट देन सिंपल बला तेल। कई कभार इसको शतपाकी 100 100 संस्कार होने के कारण शतपाकी, पाक का मतलब पचन संस्कार, अग्नि संस्कार, शतपाकी क्षीर बला तेल ऐसा भी पूरा का पूरा नाम बताया जाता है। बाजार में आपको क्षीर बला तेल नाम से ज्यादा वो मतलब फेमस है, मशहूर है। इसका सारे कार्य जो जो भी एक्टिविटी है बला तेल की तुलना में इसका उपयोग अब बहुत कम कर सकता है, फिर उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है। सिंपल बला तेल और क्षीर बला तेल या क्षतपाकी क्षीर बला तेल, सो दिस इज मोर पोटेंट इन लो डोज, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बावजूद इसका इफेक्ट जो है जबरदस्त आ जाएगा। क्षीर बला तेल का उपयोग शरीर की धातु जो होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातुओं के जो क्षय लक्षण होते हैं, रस क्षय, रक्त क्षय, मांस क्षय एक्सेट्रा, तो ये क्षय का मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है। इस क्षय का मतलब होता है डेफिशिएंसी बाय क्वांटिटी या बाय क्वालिटी, जिसको बोलते हैं कि रस सारता जो है, जो क्वालिटी एग्जामिनेशन हम करते हैं धातुओं की, उसको बोला जाता है धातु सारता परीक्षण। तो जब हम सप्त धातु के परीक्षण करते हैं और हमें दिखाई देता है कि ये जो रस धातु है वो हीन है, हीन सार है, लो क्वालिटी का है, या हमारी मांस धातु ज्यादातर लो क्वालिटी का है, अस्थि धातु लो क्वालिटी का है, मज्जा धातु नर्वस टिश्यू लो क्वालिटी का है, तो ये डेफिशिएंसी होती है जिसके द्वारा धातु क्षय और दौर्बल्य जनित विभिन्न गठिया रोग जो होते हैं वो क्षीर बला तेल के उपयोग से निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। इस तथ्य के कारण
इस तेल के उपयोग से मांसपेशियों की कमजोरी, मसल वीकनेस जो होता है ना, मसल टोन कम होता है, मसल न्यूट्रिशन कम होता है, उसका उपचय बोलते हैं, उसका टोन बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये जब कम होता है तो जरूर आप शीरबला तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा मांसपेशियों की कमजोरी के मामले में और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तेल कौन सा है, ऐसे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्षीरबला तेल। सो मसल न्यूट्रिशन विल इंक्रीज, बेस्ट हो जाएगा, उपचय अर्थ अच्छा हो जाएगा, उसके जो देखने में ना बहुत बढ़िया दिखेंगे बाइसेप ट्राइसेप आपके। आप जिम में जाते हैं तो घर में आकर आपको इसके द्वारा मसाज करना पड़ेगा, तभी आपका जिम का फायदा आपको दिखेगा, मसल टोन, मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ सब बढ़ जाएगी। ज्यादातर ये जो शब्द है आयुर्वेद का शब्द है भैया, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, क्योंकि जो वात प्रकोपित हो जाता है ना, हमारी बायो एनर्जी, मूवमेंट वाली एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट, मस्कुलो स्केलेटल मूवमेंट, न्यूरो मस्कुलर मूवमेंट, जो भी है ना, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, केमिकल मूवमेंट, इन सब वात दोष के द्वारा होता है। वात इज अ बायो एनर्जी, तो उसका बिगाड़ दोनों तरीके से होता है, एक धातु क्षयजन्य डेफिशिएंसी के कारण, नहीं तो मार्गावरोधजन्य, कई कबार वात गति को ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो भी बिगड़ जाएगी। तो ये जो क्षीरबला है ना, वो मार्गावरोधजन्य के लिए नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए नहीं है। तो भैया किसके लिए है ये क्षीरबला तेल? धातु क्षयजन्य डेफिशिएंसी के लिए ज्यादा है, जिसको हम अंडर नरिशमेंट के प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अंडर नरिशमेंट, एक दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है भैया, एक ओवर न्यूट्रिशन होने से आपको डायबिटीज होता है, आपको ओबेसिटी होती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादातर ही ज्यादा खाते रहते हैं, माजा पिज्जा करके लोग बर्गर खाते हैं, और कई कबार ऐसे होते हैं जिनको खाने पीने के मतलब तकलीफ होती है, पैसा नहीं रहता, पॉवर्टी होती है, तो उनको अंडर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, है ना, रिकेट्स हो जाता है। तो इन सब के लिए ये अपतर्पण जन्य अंडर नरिशमेंट के प्रॉब्लम, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल, जैसे आप जानते हैं ना, लिखा है उधर स्किन कलर, आपकी जो त्वचा है उसका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन, स्किन का टोन, ये सब बढ़ जाएगा। बेबी मसाज ऑयल है ये, बेबी मसाज ऑयल जैसा है, इतना नॉर सेंसिटिव है ये, सेंसिटिव पेशेंट के लिए अच्छा है, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बुढ़ापे में होने वाला संधिवात, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क स्पेस बोलते हैं ना, वो कम हो गई है भैया, तो आपकी नर्व्स के उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आपको तकलीफ हो जाती है, सैटिका हो जाता है, आपको हाथ पैर को टिंगलिंग नमनेस हो जाता है, चुमचुमाए ना जैसे, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, मसाज कीजिए, मसाज कीजिए भैया। हाँ, क्षीरबला तेल से मोटर न्यूरॉन डिसीज आपने सुना होगा, बहुत बहुत बेकार का वाला डिसीज है ये, माइलिन शीथ चली जाती है और पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को, सेंसरी लॉस होता है, पैरालिसिस का मतलब सेंसरी लॉस हो जाता है, सॉरी मोटर लॉस हो जाता है, नहीं सेंसरी नहीं, सेंसरी अच्छा रहता है, मोटर न्यूरॉन में हाथ पैर नहीं हिल पाते, एक्सप्रेशन चले जाते हैं और बाद में रेस्पिरेटरी अरेस्ट होकर पेशेंट चला जाता है, सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिसका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, टिंगलिंग नमनेस हो जाता है, चुनचुमायन, वेट लॉस हो जाता है। फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं, स्थानिक मसाज कर सकते हैं, अनुवासन बस्ती मेडिकेटेड एनीमिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शिरोधारा ऑयल शॉवर ऑन द हेड, कर्णपूरण कान में डालने के लिए, हाँ कायसेका पूरे शरीर के ऊपर आप उसकी धारा धर सकते हैं। तो ये क्षीरबला तेल बहुत अच्छा वाला तेल है, तो इंटरनली भी आप लेने हैं तो 5 से 10 बिंदु ओनली ड्रॉप्स लेने हैं आपको, 2 से 3 बार ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, और जब बाह्यता इस्तेमाल करना है तो जैसे जरूरत पड़ेगी उतना आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर बैठे बैठे भी मंगवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप किसी को भी कौन सी भी शिकायत क्यों ना हो, हार्ट की वाली हो, डायबिटीज वाली हो, कैंसर वाली हो, थायराइड वाली हो, आप जरूर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारी तज्ञ डॉक्टर के द्वारा कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए भैया 9226810630। एक डिस्क्लेमर नाते से हमेशा डॉक्टर देशपांडे की याद रखे, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्रेम और आपका सहकार्य हमेशा बेकरार रखे, बेकरार रखे। थैंक यू वेरी मच, आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।